नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा भारतीय कृषि में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के विषय पर आयोजित वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी भी बनाई है ताकि कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके। उन्होंने बताया कि सरकार फसलों के विविधीकरण पर जोर दे रही है ताकि किसान परंपरागत फसलों के अलावा अन्य ज्यादा आमदनी वाली फसलें उगा सके। राज्य सरकार बागवानी, मत्स्य व अन्य कृषि क्षेत्रों में गुणवत्ता लाकर निर्यात बढ़ाना चाहती है ताकि प्रदेश का किसान आर्थिक रूप से और अधिक सक्षम बन सके। एग्री बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बिर्मिंघम के साथ कृषि क्षेत्र में तकनीक शिक्षा का आदान प्रदान व प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एक समझौता भी किया है ताकि प्रदेश का कृषि व्यवसाय उन्नत कर सके। उप मुख्यमंत्री ने देश में कृषि क्षेत्र में हरियाणा की अहम भूमिका बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बासमती चावल निर्यात किया जाता है उसमें 60% हरियाणा का योगदान होता है। उन्होंने बताया कि राज्य में 510 करोड़ रुपए की लागत के 140 प्राइमरी व सेकेंडरी प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में किसानों को उनकी सब्जियों के उचित भाव दिलाने के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है। इससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में टमाटर, आलू, कीनू व मौसमी के उत्पादन को देखते हुए इनकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के दौरान फसलों की खरीद के लिए किए गए प्रबंधों की विस्तार से जानकारी दी। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो संदीप कुमार की रिपोर्ट।